हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके लिए एक और बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ और ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मनी मेकिंग स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के बिजनेस से जुड़े नई नई वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए प्रिंटिंग संबंधित बिजनेस लेकर आई हूँ। प्रिंटिंग यानी कि जैसे जो हम टाइल्स पे जो प्रिंटिंग देखते हैं, या जो हम कप या मग होता है उस पे जो हम प्रिंटिंग बनी हुई देखते हैं, प्लेट्स के ऊपर जो हमें फ्लावर या कोई और डिज़ाइन देखने को मिलता है उसे हम प्रिंटिंग कहेंगे। तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप यकीन मानिए कि आपको मुनाफा ही होगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू करें। आज का दौर बिजनेस का दौर है। चाहे कोई जॉब कर रहा हो, फिर भी हर कोई चाहता है कि उसका अपना कुछ ऐसा काम हो जिससे कि उसे अतिरिक्त आय मिल सके। करने को तो बहुत से बिजनेस होते हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा डिमांड मार्केट में हो उसी को करने में ज़्यादा समझदारी है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट में एक सर्वे करना होगा कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। ऐसा बिजनेस जिसके बारे में अब आपको बताऊँगी, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती और जो हर घर की ज़रूरत है, वो है टाइल्स, कुशन कवर और प्लेट प्रिंटिंग का बिजनेस। यह एक स्थायी रूप से चलने वाला बिजनेस है। इसको आप कम इन्वेस्टमेंट में आसानी से शुरू कर सकते हैं और अधिक कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने पर आपको केवल एक मशीन लानी होगी और साथ ही आप इससे टाइल्स, कुशन, प्लेट प्रिंटिंग एक साथ कर सकते हैं। यानी कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मशीन की आवश्यकता होगी। आजकल हर कोई डिज़ाइनर चीज़ें पसंद करता है। अपने घर की टाइल से लेकर कुशन या फिर प्लेट, ये सब चीज़ें हैं जिनको हर कोई अपने घर में इस्तेमाल करता है और अच्छे से अच्छा प्रिंट चाहता है। इसलिए यह बिज़नेस कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा देता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मशीन की कीमत लगभग 12,000 से 15,000 के आसपास होती है। इसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिससे मशीन में प्रिंट किए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए लगभग एक ही रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसमें आपको सब्लिमेशन मशीन, जिसकी कीमत लगभग 20,000 से 30,000 के बीच होगी। सब्लिमेशन पेपर, ये आपको 250 के लगभग 20 से 25 पीस के आसपास पड़ेंगे। सब्लिमेशन प्रिंटर, इसकी कीमत भी 25 से 30 हज़ार के आसपास होगी। यानी कि मशीन और इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को मिलाकर आपको 80 से 90 हज़ार के बीच इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि और बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से बहुत कम है। आप इस मशीन और रॉ मटेरियल को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। प्रिंट में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन से आप टाइल्स, कुशन, प्लेट के अलावा मोबाइल कवर, टी शर्ट आदि भी प्रिंट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चीज़ों के आकार के हिसाब से अटैचमेंट को बदल बदल कर प्रिंट करना होगा। अगर आप मग प्रिंट करते हैं तो आपको 150 से 200 के बीच इस पर खर्च करना पड़ता है और इसकी प्रिंटिंग पर 2 से 5 रुपये। जब आप इसको मार्केट में बेचते हैं तो इसकी कीमत 500 से 600 रुपये है। यानी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी तरह आप और चीज़ों को भी प्रिंट करते हो तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आप इस मशीन से जो भी प्रिंट करते हो वो निकलती नहीं है, इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी मार्केट के लिए सबसे अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। अगर आप इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन का आकार बहुत छोटा होता है। फिर भी आपको पैकेजिंग और सामान रखने के लिए 200 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। आपको इस बिज़नेस का पंजीकरण उद्योग आधार और MSME की सहायता से करवाना होगा। पंजीकरण की यह प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। इसमें आपको आधार कार्ड की भी आवश्यकता होती है। इस तरह आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस बिज़नेस में आपको मुनाफा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी बहुत अधिक। तो दोस्तों, यह थी प्रिंटिंग संबंधित बिज़नेस की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से लाभ भी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।
सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।